हेलो गाइस, आप जानते ही हैं कि क्रिप्टो करेंसी में कितना बड़ा झोल होता जा रहा है और यहाँ तक कि सभी यूज़र्स यूट्यूबर सब ने कोलैबोरेशन दिखाई हुई है। सबकी अलग अलग कोलैबोरेशन दिखाई गई है। बिटकॉइन ने इतना अप किया, इतना डाउन किया, आज इतना हुआ, लूना इतना गया, सलूना इतना गया, सिबोना इतना गया, सिबा सारे बहुत सारे कोइंस हैं जो कि दिखाए गए हैं। बट मैं आज आपको फैक्ट दिखाने वाला हूँ क्या हो रहा है एक्चुअल में। आपने आपको सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ट्विटर पे दिखाता हूँ कि क्या क्या कमेंट और क्या क्या चल रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ लूना ड्रॉप योर एड्रेस, मतलब सब चाहते हैं कि लूना को ड्रॉप करो। और यहाँ पर देखो किसी ने लिखा हुआ है, सिबाउन का लिखा हुआ है, देखो मैं आपको लूना का दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखना, ध्यान से देखना, लूना हमारे साथ क्रिप्टो करेंसी, हम इंडियन के साथ, इंडियन क्या वर्ल्ड में जितने भी फॉलोवर हैं, जितने भी उनके वो हैं, कितना लॉस होता जा रहा है। यहाँ तक कि मैंने खुद के 40,000 रुपये लूना में गवा दिया। आप देख सकते हैं डेली कह रहे हैं लूना ऊपर जा रहा है, कहीं 10% अप जाता है और उसके बाद उतना ही लूना डाउन जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जो लिया हुआ सन क्रिप्टो एप्लीकेशन है, मैंने ये लिया हुआ है लूना। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिटकॉइन, ये आपको दिख रहा होगा बिटकॉइन -6.46 468% माइनस में जा चुका है। और बिटकॉइन अभी सन क्रिप्टो ऐप पर, जो कि बिटकॉइन एक टाइम पर, यह मैं आपको दिखाता हूँ ग्राफ में, ये थोड़ा रुको, ये मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, यह आप देख सकते हैं जनवरी में क्रिप्टो 31,05,705 रुपये का क्रिप्टो करेंसी था, ठीक है, मतलब बिटकॉइन था आपका 31,000। और आज की डेट में आप देखेंगे तो बिटकॉइन डाउन होता जा रहा है और 12 जून को आप देख सकते हैं बिटकॉइन की वैल्यू 22,70,008 रुपये रह चुकी हैं। और बिटकॉइन अभी भी मार्केट में नंबर 1 रैंकिंग पर चल रहा है। और इसकी आप सप्लाई देख सकते हैं 2 करोड़ है और मार्केट कैप देख सकते हैं आप इसका 40,87,765 CR है। और आप बहुत सारे कोइन देख सकते हैं, जैसे सब ने लिया हुआ ये USD कोइन, देखो USD कोइन अभी भी रैंक 3 पर दिखा रहा है और 83 रुपये के हिसाब से चल रहा है अभी डॉलर के हिसाब से। और ये जो BSUSD कोड है ये भी 83 पे चल रहा है और इसका हाई टाइम 90 लिखा हुआ, बट अभी तक ये गए नहीं है। ग्रोथ कह रहे हैं हो रही है, पर सब बोल रहे हैं पार्टनरशिप हो रही है। और ये सबसे रिवाइवल कॉइन, ये मैंने रिवाइवल कॉइन मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट में दौरान, ये देखो ये है मई का और ये आपको मैं दिखाता हूँ ईयरली, ये देखो ये आपका मतलब 31 मार्च को 800 रुपये रिवाइवल कॉइन था, ठीक है, और उसके बाद ये डाउन चला जाता गया। और यहाँ पर आकर मैंने भी एक सबसे बड़ी गलती कर दी, मैंने इसको यहाँ 755 मतलब 700 के आसपास, मैंने 750 के आसपास रिवाइवल कॉइन खरीदे, वो भी 27 रिवाइवल कॉइन मैंने खरीदे, ऑलमोस्ट 21,000 मैंने इस पर लगा दिए। और आज तब से लेकर अब तक ये अभी तक डाउन ही जा रहा है और अभी इसकी मार्केट रैंक 546 ही है तब से लेके अप्रैल से लेके जून तक, अभी तक इसकी ये चल रही है। और आप इसका करंट प्राइस देख सकते हैं 196.95 रुपये रह चुका है। और मेरे जो मैंने ट्रांजेक्शन लगाई हुई मैं आपको दिखाता हूँ शो करके, ये देखो आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये देखो मैंने 20,000 का पहले खरीदा, फिर
एक से 2 रुपये का, फिर 500 रुपये का मैंने फिर से ख़रीदा। और आज इसकी वैल्यू मैं आपको प्रॉफिटेबल में दिखाता हूँ मैंने कितना लॉस खाया अभी तक। देख सकते हैं मैंने ऐड के अभी तक किए हुए हैं 4,000 रुपये। और रिवाइवल को ना एक दे सकते हैं 27,000 रुपये में, 27 कॉइन मैंने ख़रीदे और ये ऑलमोस्ट 21,000 के ख़रीदे हैं। और आज इसकी करंट वैल्यू 5,358 रुपये रह चुकी है। और ये मैंने साथ में ना कॉइन भी लिया हुआ जो कि 2,000 रुपये में मैंने लिया था और अभी इसकी वैल्यू 1,600 रुपये रह गई है। और बेबी कॉइन आप देखो मैंने 2,000 का लिया था और अब 866 रुपये रह गया, और सिबायनो भी 725 पे चल रहा है जो कि मैं बहुत लॉस में चल रहा हूँ। और मैं आपको दिखाता हूँ आ जाते हैं जो कि आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है कॉइन लिस्ट में, सब ने लिया हुआ है, सब ने सोचा था करोड़पति बनेंगे बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जितना बार बार दिखा रहे हैं कि ये अप जा रहा है अप जा रहा है अप जा रहा है बट नहीं, ये जितना ये देखो ये अभी कल के टाइम पे 0.0060 पैसे के आसपास चला गया था ये, ठीक है, बट ये फिर से डाउन चला गया। और ये अब एक बार सोचते हैं इसको हार्ड पंप करा देते हैं और बंदे सोचते हैं यार अभी अब हम करोड़पति हो जाएंगे, तो सब अपना अपना क्या करते हैं इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और फिर से ये डंप हो जाता है। और डंप इतना हो रहा है कि जितना पंप हुआ था उससे डबल पंप डाउन जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये अब इसका करंट प्राइस कितना हो चुका है 0.0057 पैसे। और ये ऑलमोस्ट मैं नहीं मानता कि अब ये $1 कभी छू पाएगा नहीं छू पाएगा, समझो ये तो पैसे गए डूब गए हमारे। और देख सकते हैं आप मैंने कितना बिटकॉइन ख़रीदा, लूना कॉइन ख़रीदा, और मैं आपका सेल पे दिखाता हूँ। ये देखो 21,611.9356 मैंने इतना लूना ख़रीदा हुआ था और ये ऑलमोस्ट मैंने 8,000 रुपीज़ का ख़रीदा है। पहले मैंने 7,000 का ख़रीदा था जो मेरे पास 2 लूना थे, उसके बाद जब क्रैश हुआ क्रैश होने के बाद मैंने 1,000 रुपये का लूना और ख़रीदा तो ऑलमोस्ट मेरे 8,000 रुपये इस पर लग चुके हैं। और 8,000 और मुझे इसका एयर ड्रॉप भी नहीं मिला। और आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं अब 119 रुपये रह चुके हैं क्योंकि मेरे 8,000 रुपये लॉस में जा चुके हैं। अब आप सोच सकते हैं मेरे पे क्या बीतती होगी। और ऑलमोस्ट अभी जो नया कॉइन आया था आप देख सकते हैं लूना 2.2 आया, ठीक है, तो ये मैंने लूना 2.2 भी सोचा चलो बढ़ेगा इंक्रीज होएगा, तो मैंने ये लूना एक बार बाई किया 1100 में और मैंने इसमें थोड़ा कुछ नहीं कमा पाया। मैंने सोचा ये मैं आपको दिखाता हूँ ये लूना, ये लूना 31 मई को 893 मतलब 942 पे गए थे ऑलमोस्ट, ये टच नहीं हो पा रहा पर 942 पे गए था उस टाइम रात के 1:30 बजे थे तो हमें पता नहीं चला, तो नेक्स्ट डे से ये डाउन चला गया था। हमने सोचा चलो पंप लेगा बट नहीं ये तो डाउन ही चला गया। और मैंने सोचा चलो कुछ ना खोने से अच्छा कुछ तो बचाएं, तो ऑलमोस्ट मैंने इसमें 66 रुपये सेल कर दिए, मतलब का प्रॉफिट हुआ। पर उससे क्या होएगा मेरा इतना लॉस हो रहा है, मेरे 36,000 रुपये जा चुके हैं अभी तक लूना में और रिवाइवल कॉइन में। और फिर मैंने दोबारा से रिस्क लिया 2 कॉइन खरीदे 1100 में 450 के प्राइस पर, बट आप प्राइस देख सकते हो करंटली कितना चल रहा है 214 रुपये चल रहा है। तो ऑलमोस्ट आप सोच ही सकते हैं कितना लॉस में, अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ लॉस में क्या हो रहा है। मैंने जहाँ 1100 रुपये लगाए अब इसके वैल्यू कितनी मिल रही है 510 रुपये मिल रहे हैं मेरे को, मेरे 500 रुपये तो गए वेस्ट में वो भी चले गए। रिवाइवल कॉइन मैंने 21,000 का ख़रीदा, ऑलमोस्ट मैंने लूना कॉइन ख़रीदा था पुराना जो लूना क्लासिक है वो मैंने 8,000 में ख़रीदा और जो नया लूना है वो मैंने 1100 में ख़रीदा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना टोटल हो गया। खुद ये देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरे 36,000 रुपये लगे हुए हैं इस इन कॉइन में। ये देखो मैंने USD ख़रीदा हुआ है, सिमो ख़रीदा हुआ है, बेबी डोबी ख़रीदा हुआ है, सितामा ख़रीदा हुआ है, रिवाइवल और प्राइस भी मैंने ख़रीदा है। ये मैंने 100 रुपये में ख़रीदा था बट अभी इसका 200 रुपये में ख़रीदा है, मैंने 2 कॉइन ख़रीदे थे पर अभी इसका वैल्यू 64 रुपये रह गया है, ठीक है। और अब करंटली एंटायर मेरी वैल्यू देख सकते हैं 14,000 रुपये रह चुके हैं और जो कि ये 37,000 रुपये मैंने लगाए हुए हैं और अब मुझे लॉस में चल रहा हूँ मैं, कितना ज़्यादा लॉस में चल रहा हूँ आप खुद ही सोच सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि लूना अब कभी भी ये फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ सबके साथ, लूना कभी भी अब $1 कभी नहीं जा पाएगा और यहाँ तक कि हमारे पैसे डूब चुके हैं। और मैं भी मान चुका हूँ मैं इस टाइम बहुत तंगी में चल रहा हूँ, मैं किसी को कुछ कह नहीं सकता, क्या बताऊँ क्या मैंने क्रिप्टो में लगाए थे पैसे, लूना हमारे पैसे लेके लूट के भाग गया। अब क्या सोचते हैं हम,
कि लूना एक रोज़ ट्विटर पे कोई कमेंट कर रहा है पंप कराने की कोशिश कर रहे हैं, वेलेस को पंप करा रहा है, कह रहे हैं पार्टनरशिप कर ली, गेमिंग कर ली इन्होंने, कुछ कर लिया ये कर लिया, कुछ नहीं कर रही है, इन्होंने हमें लूटा है, बस साफ सीधी बात है क्लियर शब्दों में। और लूना जितना पंप जाएगा उसे डबल ट्रिपल डंप जा रहा है, ये डाउन में जा रहा है, और इसलिए अब लूना कभी भी जीरो से जीरो हो सकता है, और ये हमारे साथ फ्रॉड हुआ है अब तक का, और मैं तो इसको देख ही चुका हूँ और अपने लॉस को सह रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के सफ़र में। चलो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करना, धन्यवाद।